मूवी की शुरुआत में दो लड़के भाग के आते हैं जिनका नाम एलेक्स और डेनियल है। एलेक्स को एक अलमारी में लॉक करके डेनियल बाहर खड़ा है। तभी एक आदमी लहूलुहान होकर वहाँ आता है और डेनियल से कहता है मुझे बचा लो, पर डेनियल चिल्लाता है कि वो यही है और उसे पकड़ते हुए वहाँ उनकी पूरी फैमिली आ जाती है। उन सब ने मास्क पहना हुआ है। फिर उस आदमी को वो तीर से अटैक करते हैं और वहाँ से खींच के लेके जाते हैं। उस आदमी की उस दिन शादी हुई थी और एक लड़की जोर से चिल्लाती है कि उसे छोड़ दो उसे छोड़ दो, पर खींच के लेके जाके उसे जान से मार डालते हैं। वहाँ से कट करके 30 साल बाद दिखाते हैं कि हमारी हीरोइन ग्रेस की शादी होने वाली है, इसलिए वो बैठकर स्टेज में बोलने वाले मंत्र को रिहर्सल कर रही होती है। तब वहाँ उसका दूल्हा एलेक्स भी आता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। एलेक्स वो छोटा लड़का है जो अब बड़ा हो गया है। उस समय एलेक्स ग्रेस से कहता है कि मेरी फैमिली अजीब है, क्या तुम उन्हें संभाल पाओगी? तुम चाहो तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली क्या सबको संभाल लूंगी। तभी डेनियल वहाँ पर आता है जिसने शराब पी रखी होती है। वो कहता है आपका हमारी फैमिली में स्वागत है और बोल के चला जाता है। उसके बाद वे नीचे आते हैं। नीचे शादी के लिए सब तैयार है और उनकी शादी होने वाली है और फिर शादी हो भी जाती है। फिर सबके साथ फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। ग्रेस वहाँ पर आए हर एक को मिलती है। सब अजीब तरह से उसको देख रहे होते हैं, फिर भी वो सोचती है कोई बात नहीं ऐसे ही देख रहे होंगे। उसके बाद दोनों की स्वागरात का टाइम आता है और दोनों बेड में लेटे हुए हैं। तभी अचानक ग्रेस कुछ देखती है और डर जाती है। मुड़कर देखा तो वहाँ पर हेले खड़ी हुई है। वो कहती है कि सब नीचे वेट कर रहे हैं इसीलिए तुम्हें अभी नीचे आना होगा, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। ग्रेस पूछती है कि हम नीचे क्यों जाएं? तो एलेक्स उसे एक्सप्लेन करता है कि हमारी फैमिली में एक ट्रेडिशन है, उसके मुताबिक जो भी हमारी फैमिली को ज्वाइन करता है उसे रात के 12 बजे एक खेल खेलना पड़ता है, और अगर वो इस खेल को जीतता है तो ही हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकता है। फिर एलेक्स कहता है कि होशियार रहो। वो थोड़ा परेशान जरूर होती है लेकिन वो इसको कैजुअली ले लेती है और कहती है कोई भी गेम हो मैं खलबली मचा दूंगी, और ऐसे बोल के वो नीचे जाते हैं। नीचे सब उनको वेलकम करके एक नए डाइनिंग हॉल की तरफ लेकर जाते हैं। उसको देखकर ग्रेस हैरान रह जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हंट किए हैं और बहुत सारे वेपन्स वहाँ दीवारों पर लगे हुए हैं। उसको ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है। उसके बाद सब एक एक करके बैठ जाते हैं और अब सब ग्रेस को अजीब तरह से देख रहे होते हैं। तब टोनी उठकर अपने एंसेस्टर को इंट्रोड्यूस कराता है जो मर चुके हैं। उनका नाम लीबेल है, उसी ने इस पैलेस को बिल्ड किया है। उन लोगों का बिजनेस ही गेम बोर्ड्स और गेम डेवलप करना है, इसलिए वो इतने आगे हैं। जो भी फैमिली के अंदर आए उनको गेम खेलने के बाद एक्सेप्ट करना ही इनका थीम है, इसीलिए शुरुआत में उतना भयानक गेम खेल के उस दूल्हे को जान से मारा था। अब ग्रेस को ये सब पता नहीं होता कि वो यहाँ पर सबको मारते हैं। टोनी उसको समझाता है कि उस बॉक्स में से एक कार्ड आएगा और उस कार्ड में गेम होगा और उसी गेम को खेलना है, उसमें बहुत आसान गेम भी है। ग्रेस के पास बॉक्स देते ही वो कार्ड उठाती है और उसमें लिखा होता है हाइड एंड सीक। एलेक्स बहुत ही मायूस हो जाता है और डर भी जाता है। ग्रेस से गेम्स के रूल बताने के पहले एलेक्स उसके कान में कहता है कि मुझे बेडरूम में आके मिलो, तो वो कहती है ये सब बहुत आसान गेम है मैं खेल लूंगी, और ऐसा बोल के चली जाती है। बाहर लेके आके टोनी कहता है तुम्हें छुप कर रहना होगा, सुबह तक तुम्हें छुप कर ही रहना होगा, बस इतना ही गेम है, अगर उससे पहले तुम्हें ढूंढ दिया गया तो तुम आउट। वो कहती है बस मुझे इतना सा ही करना है, अरे तो बहुत आसान है। वहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए होते हैं। वो पूछती है कि अगर तुम इन कैमरों को देख के मेरे पीछे आ गए तो वो जवाब देता है कि हम सिर्फ ट्रेडिशनली खेलेंगे, हम कोई चीटिंग नहीं करेंगे, हम सारे कैमरे बंद कर देंगे। अब वो सारे कैमरे बंद कर देते हैं और उसके साथ ही घर के सारे दरवाजे भी बंद कर देते हैं। वो 100 तक गिनते हैं ताकि वो कहीं छुप सके। अब वो छुपने लग जाती है। ग्रेस वहाँ छुपने के लिए जाती है और यहाँ हर एक एक के हाथ में वेपन दे देते हैं। एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि एलेक्स ने सच्ची मोहब्बत की होती है उससे। एलेक्स की माँ बेकी उसके पास आके कहती है कि ऐसे हमारी फैमिली में सबके साथ हुआ है, तुम्हें हमारी फैमिली के ट्रेडिशन में रहना ही होगा और यही तुमको करना है, अगर नहीं किया तो क्या होगा ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। एलेक्स इस गेम में हिस्सा नहीं लेता क्योंकि वो ग्रेस से बहुत प्यार करता है। सब ग्रेस को ढूंढते हुए जाते हैं और उस वक्त एलेक्स ग्रेस की मदद करने के लिए वहाँ से एस्केप हो जाता है और ग्रेस वहाँ लिफ्ट में बहुत देर तक बैठी हुई है। फिर वो टेंशन में आ जाती है कि कब तक यहाँ बैठी रहूँ, और बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सभी ग्रेस को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इस घर के सब नौकरों को इसके बारे में पता है, वो भी उसके हिसाब से ही काम कर रहे होते हैं। उस घर में दो छोटे बच्चे हैं जिनका नाम जॉर्जी और गेब है, उनको सुलाने के लिए एक नौकरानी रखी हुई है। उन बच्चों में से एक लड़का बेड से गायब होता है, उसको ढूंढते हुए वो नौकरानी बाहर आती है। ग्रेस सारे रूम पर घूम रही होती है और अचानक उसे कोई पीछे से खींच लेता है, तो वो एलेक्स ही होता है। वो ग्रेस को बिठाकर कुछ बोलने की ट्राई करता है, उस वक्त वही नौकरानी उस रूम में आ जाती है तो ये उसको एक जगह पे छुपा लेता है।
और जैसे ही वो नौकरानी बाहर जाने वाली होती है तो उसको कोई शूट कर देता है, और वो एमली होती है और पागल की तरह उछल कर कहती है, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको शूट कर दिया, मैं ही विनर हूँ। और करीब जाके देखा तो वो सर्वेंट होती है। इस सीन को ग्रेस देखती है और बहुत ही शॉक हो जाती है, वो रोना शुरू कर देती है, फिर एलेक्स उसको संभालता है। यहाँ एमली को सब डांट रहे होते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, वो कहती है कि मैंने अनजाने में उसको शूट कर दिया है। फिर बाकी के लोग कहते हैं कि ठीक है इसको क्लीन करते हैं, लेकिन उसको पहले ढूंढो तुम। ऐसे बोलते समय उस फैमिली के एक मेंबर कहती है एलेक्स भी गायब है, कहीं एलेक्स उसकी हेल्प तो नहीं कर रहा। फिर वो डिसाइड करते हैं कि एलेक्स की ग्रेस को मिलने से पहले ग्रेस को खत्म करना होगा। ऐसा डिसाइड करके वहाँ से सब निकलते हैं। ग्रेस बहुत चीखती है और एलेक्स को डांटती है कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, ये सब तुम्हें मुझे पहले बोलना चाहिए था ना। तब एलेक्स कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी, इस डर से मैं तुमसे नहीं कह पाया। फिर कहता है आई लव यू, मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ, मुझ पर भरोसा करो, और वो मान भी लेती है। मैं कैमरा हैंडल करने वाला हूँ और सारे दरवाजे खोलूंगा, तुम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। ऐसा बोल के वो उसको शूज देता है और कहता है कि ये पहन लो। वो ग्रेस से कहता है कि स्ट्रेट जाके लेफ्ट जाओ। ग्रेस तैयार हो जाती है, वो अपने स्कर्ट फाड़ती है और फिर अपना शू टाइट करके तैयार हो जाती है। जैसे ही उसने कहा था वैसे ही वो उस स्पॉट पर पहुंच जाती है, लेकिन उसको कंफ्यूजन हो जाती है कि लेफ्ट जाऊं कि राइट, उसको समझ ही नहीं आता, वो बहुत ज्यादा डरी भी है। उसी वक्त वो फैमिली उस डेड बॉडी को लेके जाते हुए एक दूसरे से पूछते हैं, क्या उससे कहीं ढूंढा तुमने, और ऐसे ही वो बात कर रहे होते हैं। वो सभी बोल रहे होते हैं कि वो जरूर यहीं कहीं होगी, गॉड से उसको ढूंढो। तभी ग्रेस डोर ओपन करके उनके सामने खड़ी होती है और फैमिली के सभी लोग उसे खामोश होकर देख रहे होते हैं। फौरन उसे अटैक करने के लिए अपनी गन सब तैयार करते हैं। तभी वहाँ एमली आती है और धड़ाधड़ उस पर गोले चलाती है, लेकिन ग्रेस वहाँ से बचकर भाग जाती है। सब एमली को डांटते हैं कि क्या कर रही हो तुम। एक्चुअली एमली थोड़ा पागलों की तरह है, उसको तो बस गन चलाना है और उसे ठीक से गन चलाने का कोई टैलेंट ही नहीं है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक गन चला रही होती है। सब उसको डांटना शुरू करते हैं और वो रोना शुरू कर देती है, लेकिन सब उसको मनाते हैं कि ठीक है चलो उसको ढूंढते हैं। फिर से ग्रेस सब रूम में जा रही होती है, उसको ये भी नहीं पता कि बाहर कहाँ से निकलना है, सभी दरवाजे बंद करके रखे हैं। फिर वो ऐसे वैसे करके एक डोर के करीब जाती है, वहाँ से डैनियल बाहर आता है और वहाँ आके खामोश होकर खड़ा हो जाता है। अब ग्रेस फिर फंस जाती है, लेकिन डैनियल को इस बात का गिल्ट है कि वो ऐसा कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ग्रेस उसको पसंद आ जाती है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम है, तुम भाग जाओ, लेकिन मैं अपनी फैमिली का ट्रेडिशन नहीं तोड़ सकता। और फिर वो ये सुनकर भागना शुरू करती है। फिर 10 सेकंड के बाद वो चिल्लाता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है। फैमिली के सभी मेंबर वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ कहाँ है वो। वो बहुत ही आसानी से कहता है कि वो तो भाग गई। सब उसे डांटते हैं और कहते हैं तुम खाली पीने के लायक हो। वहाँ इमली बच्चों की तरह रोती भी आती है और कहती है कि मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, मेरी गन ठीक ही नहीं है। वो बड़े बच्चों की तरह हरकत कर रही होती है। टोनी और बेकी उसे समझाते हैं कि तुम रो मत, तुम्हें दूसरा गन दिलाते हैं। ऐसा कह के उसके हाथ में क्रॉसबो पकड़ा देते हैं। ठीक उसी समय एक और सर्वेंट कहती है कि मैंने उस लड़की को देख लिया, और इमली उसके मुंह में तीर मार देती है। सब शॉक होकर वहाँ खड़े रहते हैं। अब वो इमली कहती है कि ये गन ही ठीक नहीं है, और रोती भी वहाँ से चली जाती है। तब उनमें से एक कहती है कि इतने लोग तो मर चुके हैं, ये बलि देने की तरह ही तो है, अब उस लड़की को मारने की जरूरत है क्या। हेले चिल्लाती है कि इस घर की बहू को सुबह होने से पहले मारना है, कैसे भी करके उसको मारना है, ये शैतान के लिए बलि देने वाली फैमिली है, अगर ये ग्रेस को सुबह से पहले बलि नहीं दे पाए तो ये सब मर जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। ये सब उनके एंसेस्टर लेबेल की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो ऐसा करते हुए आ रहे हैं और ग्रेस को फिर से ढूंढना शुरू करते हैं। ग्रेस वहाँ से बचने के लिए टेंशन में हो जाती है और यहाँ वहाँ भाग रही होती है। वो वहीं पर जाती है जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगी होती है और गन उठाकर बुलेट्स लोड करके तैयार हो जाती है और आईने में अपने आप को देखती है। वो फटी हुई शादी की ड्रेस, शू और गन के साथ बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है। वहाँ एलेक्स कैमरे रूम में जाता है और दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त घर वाले प्लान करते हैं कि अगर वो लड़की मिल नहीं रही तो चलो कैमरे वाले कमरे में जाते हैं, वहाँ से उसको आसानी से ढूंढ लेंगे। तो दूसरी कहती है कि फैमिली के ट्रेडिशन को चेंज मत करो, लेकिन और कहते हैं कि ट्रेडिशन गया भाड़ में, सब अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, उसको जान से मारना यही ट्रेडिशन है, चाहे उसको कैसे भी मारे। अब ग्रेस उस वक्त किचन की तरफ जाती है, डोर खोलने की ट्राई करती है पर नहीं कर पाती, फिर गन से शूट करने की ट्राई करती है पर अंदर बुलेट नहीं होती। वहाँ एक सर्वेंट आ जाता है, उसे छुपकर ग्रेस टेबल के नीचे छुपी हुई है और बुलेट लोड करने की कोशिश करती है। वो छोटे छोटे साउंड्स को रखकर आगे देखता है और यहाँ ये छुपकर बुलेट लोड कर रही होती है। बुलेट लोड करके उसकी तरफ एम करती है तो वो हंसता है क्योंकि वो बुलेट तो काम ही नहीं करती, लेकिन तभी वहाँ पर एक टी पॉट होता है, वो उसको उठाकर उसके चेहरे पर मारती है। यहाँ दूसरी तरफ घर वाले सभी कमरों की तरफ देख रहे होते हैं पर कैमरा पहले से ही ऑन है। फिर वो सोचते हैं कि ये सब एलेक्स का ही काम होगा।
वहाँ एलेक्स ने सारे कैमरे के कंट्रोल्स को तोड़ दिए होते हैं। टोनी एलेक्स पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें हमारी फैमिली ट्रेडिशन के बारे में पता है ना, और फिर उसको खूब मारता है। एलेक्स अपने बाप टोनी को ही मारता है। डैनियल उसे रोकता है और कहता है कि मत मारो, तब टोनी एलेक्स के सर पर भी मार देता है। इस बीच ग्रेस बचकर भागने के लिए लिफ्ट ओपन करके देखती है, वहाँ तीसरी सर्वेंट बैठकर डर के मारे रो रही होती है। लेकिन उसी वक्त वो सर्वेंट चिल्लाना शुरू कर देती है कि वो लड़की यहीं पर है, वो लड़की यहीं है, जल्दी आ जाओ। और ऐसा चिल्लाते हुए वो लिफ्ट का बटन प्रेस कर देती है और लिफ्ट क्रश होकर वो वहीं मर जाती है। इस बात को सर्वेंट फैमिली से कहता है कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम उन्हें क्लोज नहीं कर सकते, और वो सर्वेंट भी क्रश हो गई है। ये सुनकर टोनी चिल्लाता है कि यहाँ हो क्या रहा है, देखने में तो इतनी सी है पर हम जो कर रहे हैं उससे भी मात देकर चली जा रही है, ऐसे वो चिल्लाता है। तभी विंडो के जरिए इन सब बातों को ग्रेस सुन लेती है। फिर वो सोचती है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से बचकर भागना है, और ये सोचकर वो छलांग मारकर भागना शुरू करती है। वो गार्डन में भाग रही होती है, तभी वहाँ एक फार्म हाउस है, वहाँ जाकर छुपती है। तभी वहाँ वो छोटा बच्चा जॉर्जी आता है, छोटा बच्चा ही तो है, ऐसा सोचकर वो जॉर्जी से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन वो भी हाथ में गन लिए बैठा है और वो उसको शूट करता है तो उसके हाथ पर गोली लग जाती है। फिर वो सोचती है कि छोटा बच्चा गया भाड़ में और उसके मुंह पे एक मुक्का मारती है और उसको वहीं गिरा देती है। वो अपने बगल में खड़ी बकरी को देखकर वहाँ बेसमेंट में गिर जाती है। अंदर देखती है तो वहाँ हर जगह मुर्दे पड़े हुए हैं, इधर उधर ऊपर नीचे हर जगह मुर्दे ही मुर्दे। वहाँ वो वोमिट कर देती है, उस गोली के कारण उसके हाथ में होल हो जाता है। फिर वो बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, तभी वो लैडर टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रहती है। ऊपर आके वो अपनी शादी की ड्रेस को फाड़ती है और उससे पट्टी बनाकर अपने हाथ में बांधती है। इसको भागते हुए उस फैमिली में से एक देख लेती है और सिक्योरिटी से कहती है कि बाहर जाकर उसको पकड़ो, मैं घर में सभी को बताती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो अंदर जाती है। यहाँ गैरेज बचकर भागने की कोशिश करती है, वहाँ एक ग्रिल है, उसे कैसे भी तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके पीठ में वो ग्रिल फंस जाता है, फिर भी वो कैसे भी करके बाहर आ जाती है। बाहर आके एक गाड़ी को रोकने की ट्राई करती है पर वो बिना रुके चली जाती है। इन सब पैसे वालों को प्रॉब्लम क्या है, ऐसे चिल्लाती हुई वो जंगल के अंदर भाग रही होती है। यहाँ वो सिक्योरिटी वाला कहता है कि सर मैं कैसे भी करके उसे लेके आऊंगा। घर वाले कहते हैं कि सुबह होने से पहले उसकी बलि देनी है वरना हम सब मुसीबत में आ जाएंगे, इसलिए जल्दी करो। ऐसे बोल के सभी तैयारी में लग जाते हैं। एलेक्स को एक जगह बांध कर रखा हुआ है, वो अपने हाथ पर बंधी हुई रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है। ग्रेस को जो ढूंढने के लिए गया था वो उसको ढूंढ लेता है और ग्रेस को मारने की कोशिश करता है। तब ग्रेस उसके ऊपर बैठती है और उसे मारकर वहाँ से कार निकाल लेती है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कार वहीं रुक जाती है और ग्रेस बहुत रोती है। तब तक सिक्योरिटी वाला वहाँ जाता है, विंडो तोड़ के वो उसको मारता है और उसको बेहोश कर देता है। सिक्योरिटी फिर वहाँ से घर वालों को वीडियो कॉल करके कहता है कि मैंने उस लड़की को पकड़ लिया है, आप लोग सब कुछ तैयार करके रखो, और वीडियो कॉल हो ही रही होती है। वहाँ पीछे ग्रेस धीरे धीरे होश में आने लगती है और वो सिक्योरिटी के सर में मारती है और कार उलट जाती है। वहाँ से बचकर बाहर आके देखा तो डैनियल खड़ा हुआ है। डैनियल से कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे, मुझे छोड़ दो प्लीज। ऐसा कहते समय वो कहता है कि क्या करें, मैं फैमिली वालों से मजबूर हूँ, मेरी फैमिली वाले मेरे लिए बहुत अहम है, मेरी फैमिली का ट्रेडिशन मेरे लिए बहुत अहम है। ऐसे बात करते हुए वो करीब आकर गन उठा के उसके सर पर जोर से मार देता है और ग्रेस को बांध देता है और बलि देने के लिए तैयार करते हैं उसको। सुबह होने वाली है, सब कुछ तैयार कर चुके हैं और मंत्र बोलना शुरू करते हैं। मंत्र बोलने से पहले सब कुछ पी रहे होते हैं और जैसे ही वो उस चीज को पीते हैं तभी सब लोग चाकू मारने वाले होते हैं और चाकू मारते मारते वो सब खून की उल्टी करने लगते हैं क्योंकि डैनियल ने सबको जहर दिया हुआ होता है। फिर ग्रेस को बचाता है, ये सब कभी नहीं सुधरेंगे, इनको खत्म करना ही पड़ेगा, सोचते हुए ग्रेस को बचाकर वो लेके जाता है। ग्रेस को बचाकर ले जाते वक्त डैनियल की वाइफ गन लेकर खड़ी होती है और कहती है तुम्हीं ने इसे बचाया है, ऐसे बोल के उसके गले में शूट कर देती है। डैनियल अब खून में पड़ा हुआ है और कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। वहाँ से दूसरे कमरे में आए तो वहाँ टोनी खड़ा हुआ है, वो एक लैंप उठाकर उसके सर पर मारती है और टोनी वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। उस लैंप की वजह से सभी जगह में आग लग जाती है। वहाँ से वो दूसरे रूम की तरफ जाती है, वहाँ बेकी आकर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करती है। ग्रेस उसी कार्ड बॉक्स को लेती है और उसके सर में मारती रहती है और तब तक मारती है जब तक वो मर न जाए। तभी उसी वक्त एलेक्स वहाँ से बचकर बाहर आता है, वो डैनियल को देखता है तो डैनियल मर गया होता है, उसे देखकर वो बहुत ही उदास हो जाता है। दूसरे कमरे में आके देखता है उसकी माँ बेकी भी मरी पड़ी हुई है। एलेक्स को पता चल जाता है कि मेरी माँ को इस ग्रेस ने मारा है और वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें इस फैमिली में ऐड करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और ऐसा बोलते वक्त उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसका गला दबा देता है और कहता है वैसे भी तुम्हें सब कुछ पता चल गया, तुम अब मेरे साथ नहीं रहोगी। फिर एलेक्स उसको सभी के सामने लेके जाता है, सब आते हैं और फिर से उसे बांध देते हैं और फिर से मंत्र बोलना शुरू करते हैं। वो ग्रेस पर चाकू चुबा रहे होते हैं तभी साइड हटती है और उसके शोल्डर में जख्म हो जाता है। उस चाकू को उठाकर वो सबको दिखाकर कहती है कि मेरे पास मत आना और बहुत चिल्लाती है।
अब सुबह हो चुकी है, सभी डर रहे होते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। सब हैरान खड़े हुए हो जाते हैं, आज तक जो भी हमने किया वो सब झूठ था क्या? सभी ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी एक कहता है कि अगर ये बाहर गई तो सबको बता देगी, इसको यही मारना पड़ेगा। हेल ने एक्स उठाकर उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय वो फट जाती है और उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। ग्रेस को जो भी अटैक करने आता है वो सब फट जाते हैं। अब एलेक्स की बारी होती है, एलेक्स उससे माफी मांगता है और कहता है माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी ग्रेस अपनी उंगली से वेडिंग रिंग उठाती है और उसके मुंह पर फेंकती है और कहती है मुझे डाइवोर्स चाहिए। जैसे ही वो ये कहती है वो झट से फट जाता है और इस गेम में हमारी ग्रेस जीत जाती है। वहाँ सब जगह आग लगकर चल रही होती है। तभी उधर नीबेल की आत्मा आती है और ग्रेस को सलाम ठोकती है, फिर वहाँ से बाहर निकल के सीढ़ियों में बैठकर एटीट्यूड के साथ सिगरेट पी रही होती है। उधर पुलिस भी आ जाती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।